नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। कहते हैं कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बेटी से मिलवाएंगे जिनका हाथ जिस भी चेहरे को छू जाए वो खूबसूरती के हर पैमाने से ऊपर उठ जाता है। देश की कई बड़ी हस्तियां इस बेटी की प्रतिभा की मुरीद हैं। हम बात कर रहे हैं ब्यूटी सैलून के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बना चुकी भारती तनेजा की, जिन्होंने माधुरी दीक्षित से लेकर सुष्मिता सेन का मेकओवर किया है। कैसे पहली बार ब्यूटी प्रोडक्ट्स को साइंस से जोड़कर लोगों के दिल में जगह बनाई दिल्ली की इस बेटी ने, चलिए हमारे साथ ग्रेटर कैलाश। खूबसूरती एक ऐसा शब्द है जिसके आसपास हमारी पूरी सामाजिक संरचना बनी और बसी है। सुंदरता चाहे शरीर की हो या फिर मन की, ये बेशकीमती है। खूबसूरती बढ़ाने के लाख जतन सदियों से होते आए हैं और लगातार आज भी हो रहे हैं। आज बड़े महानगरों से लेकर गांव के कस्बों में छोटे छोटे ब्यूटी सैलून सभी को खूबसूरत बनाने के नुस्खे सिखाते हैं। ऐसी ही एक शुरुआत 45 साल पहले दिल्ली की एक बेटी ने की थी। ग्लैमर और फैशन की दुनिया में ध्रुव तारे की तरह चमकती इस बेटी ने खूबसूरती को साइंस के साथ जोड़कर हिंदुस्तान में ब्यूटी क्लिनिक को बिल्कुल नए मुकाम पर पहुंचा दिया। आज इस चेहरे से ज्यादातर लोग वाकिफ हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि भारती तनेजा ने भी शुरुआत अपने घर के एक छोटे से कमरे से की थी। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, मैंने सिर्फ 2000 रुपए से शुरू किया था। अपने घर में एक थर्ड जो बेडरूम था, खाली जो था, उसके अंदर एक छोटा सा पार्लर बनाया था, एक वाइट कलर का बैनर लगाया था और शुरू किया था। दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में जन्मी भारती बचपन से ब्यूटी इंडस्ट्री में करियर बनाने का सपना देख रही थी, लेकिन पिता मेडिकल में भेजना चाहते थे। दो भाइयों की अकेली दीदी होनहार थी और मेडिकल की परीक्षा भी पास की, लेकिन शहर से बाहर जाने की अनुमति दादाजी ने नहीं दी, तो साइंस में ग्रेजुएशन कर पोती ने बीएड की पढ़ाई की, आयुर्वेद में डॉक्टरेट की, रशियन लैंग्वेज सीखी और अरोमा थेरेपी का कोर्स भी किया। लेकिन परिवार की इच्छा को देखते हुए टीचिंग को ही चुना। लेकिन स्कूल में पढ़ाने के वक्त भी उन्हें सौंदर्य की दुनिया अपनी तरफ आकर्षित करती थी, लिहाजा भारती के जीवन में बड़ा मोड़ आया जब शादी के 10 साल बाद उनकी सास ने उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की सलाह दी। जब मैं पढ़ने गई तो उन्होंने ही मुझे हेल्प की कि मेरे बिजनेस को भी देखा, बच्चों को भी देखा, और शी वॉज अ बिग इंस्पायरेशन ऑल द टाइम, शी यूज टू हेल्प मी। और वो चाहती थी और वो जानती थी कि मैं जो करना चाहती हूँ मैं कर पाऊँगी, और मेरे अंदर टैलेंट को उन्होंने पहचाना और मुझे बूस्ट किया कि मैं करूँ। भारती ने ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े कई कोर्स किए, लेकिन साइंस बैकग्राउंड की इस छात्रा का दिमाग हर वक्त वैज्ञानिक प्रयोगों की दिशा में आगे बढ़ता था, लिहाजा उन्होंने सुंदरता को साइंस से जोड़ने का फैसला किया और ब्यूटी क्लिनिक खोला। मेकअप करने से पहले वे क्लाइंट की मेडिकल हिस्ट्री जानने की कोशिश करती, और इस क्षेत्र में उन्हें बड़ी सफलता तब मिली जब गोल्डन फेशियल की हिंदुस्तान में शुरुआत की। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया इतना पढ़ने लिखने के बाद, तो मैंने अपनी पहले दिन से यही सोचा कि मैं अपने साइंस एजुकेशन को ब्यूटी के अंदर मिला के कैसे अच्छा कर सकती हूँ। तो मैंने पहले दिन से ही अपने पार्लर को क्लिनिक का रूप दिया, उसको साइंटिफिकली सीखा, साइंटिफिकली किया और साइंटिफिकली पढ़ाया। और वक्त वो आया जब बॉलीवुड के बड़े सितारों में भारती से मेकअप कराने की होड़ लग गई, तो उनकी दोनों बेटियों ने भी माँ के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। यही नहीं, ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भारती के पति भी आज उन्हीं का हाथ बटा रहे हैं। आज वे देश की उन चुनिंदा महिलाओं में शुमार हैं जिन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए और कांटों को भी दूर किया। तो सरकार से उनकी गुजारिश है कि ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक को भी स्नातक और स्नातकोत्तर जैसे पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। उनकी एकेडमी में बच्चों की बढ़ती संख्या बताती है कि सरकार को इस दिशा में सोचना होगा, और खासकर तब जब मेक इन इंडिया देश के प्रधानमंत्री का सपना हो और भारती तनेजा जैसी बेटियां उन सपनों को आगे बढ़ाने में जुटी हैं। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है।
प्रधानमंत्री का कहना है कि कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वो सिर्फ संतुष्टि देती है। और ऐसी ही संतुष्टि दिखती है भारती तनेजा के चेहरे पर, जिन्होंने इस भ्रम को भी तोड़ा है कि बच्चों को विरासत सिर्फ पिता से ही मिलती है। बेटियों के लिए मिसाल तो पति के लिए सम्मान बनी भारती जैसी बेटियां हर घर में हो तो लोग जरूर कहेंगे आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे भारती तनेजा ने ये पूरी सफलता शिखर तक पहुंचने की हासिल की, तो जरूर देखिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया और ईटीवी के सभी चैनल्स पर शनिवार रात 9:30 बजे हमारा खास कार्यक्रम।